Now let's see exercise 3.4. Here, यहाँ पे हमने 4, 5, 6, 7 ये सब दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से मैं 5th और 6th फिर से बता देता हूँ और 7th को, ठीक है। और इसमें आंसर कैसे चेक करना वो भी एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो 5th वाला ऐसे मैं ओरली बताता चलूँगा, आप लोग देखिए। What must be added to 7621 to get 8243? हम इस 7621 में क्या ऐड करें कि हमको ये नंबर मिल जाए? तो हम क्या करेंगे, 8243 से इसको माइनस कर देंगे, इस नंबर से हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 8243 माइनस 7621 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस 1 यर 2, 4 माइनस 2 यर 2, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 12 लेंगे। 12 माइनस 6 यर 6, ये लेफ्ट 7, 7 माइनस 7 0। तो दिस इज योर आंसर। एंड नाउ लेट्स सी 6, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5492 टू गेट 6345? जस्ट सेम लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 5, ओनली हियर डिजिट द चेंज, देन यू कैन सॉल्व, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व बाई योर सेल्फ, खुद से सॉल्व करिएगा। आइए देखिए 7th, डिफरेंस करना है, चेक योर आंसर। तो फर्स्ट है 7th का ए, यहाँ पे देख लीजिए 589, आप देख रहे हैं 589 लिख लीजिए, हमने माइनस किया, क्वेश्चन हम भी लिख ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, पहले 589 माइनस 466, तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, माइन्यूंट, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइन्यूंट, और जिसको माइनस कर रहे हैं वो क्या है, सब्ट्राहेंड, सब्ट्राहेंड। और जो आपका ये आंसर आएगा यहाँ पे, इसको कहते हैं हम डिफरेंस, ठीक है। जिस नंबर से माइनस किया जाता है वो माइन्यूंट, इससे माइनस किया जा रहा है, जिसको माइनस किया जा रहा है वो सब्ट्राहेंड, और जो आपका आंसर आएगा अभी वो होगा डिफरेंस। तो माइनस करिए पहले, 9 माइनस 6 3, माइनस करना आता ही, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 4 1। आंसर चेक कैसे करेंगे, आंसर चेक कैसे करेंगे हम, डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इक्वल टू होता है माइन्यूंट, क्या होता है, डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इक्वल टू माइन्यूंट, ठीक है। डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इक्वल टू माइन्यूंट, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बुक में पेज नंबर 42 के पहले पे आएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइन्यूंट, सब्ट्राहेंड, डिफरेंस, ठीक है, ऐसे दिया है, और समझ गए ना। एंड चेक योर आंसर, आंसर चेक करने का तरीका क्या है, ये देखिए चेक योर आंसर, किसको ऐड किया है, डिफरेंस प्लस, किसको ऐड किया है, डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड को ऐड किया है, ये होगा माइन्यूंट प्लस माइन्यूंट में से इसको माइनस किया गया, तो डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड, डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को ऐड करिए, यहाँ भी देखिए वही किया गया है, ठीक है। तो बस आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए ये डिफरेंस आपका क्या 1, 2, 3 आया है, सब्ट्राहेंड क्या है 4, 6, 6 ऐड करिए, 6, 3, 9, 6, 2, 8, 4, 1, 5। अब आप देखिए यहाँ पे 589 आपका माइन्यूंट है, ये 589 आ गया, ये क्या था आपका डिफरेंस, ये क्या था सब्ट्राहेंड, और ये आपका माइन्यूंट आ गया, दिस मीन्स ये आपका सही है, जो हमने तरीका अपनाया है सॉल्व करने का, हमारा वो आंसर सही है।
तो इसी तरीके से सब आपको ऐसे पहले माइनस कर लेना, सब्ट्रा एंड डिफरेंस को ऐड कर देना, अगर वो माइन्यूट के बराबर आता है तो आपका सब्ट्रैक्शन सही है, यदि नहीं आता तो फिर उसमें देखना आपने कहीं सब्ट्रैक्ट करने में ज़रूर गलती की होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अभी आज एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क नोट कर लीजिए, कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4, दिस इज योर होमवर्क। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।